हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्मिता फूड एंड फैशन। मैं हूं स्मिता। आज फूड सेक्शन में मैंने यहां पे मैंगो राबड़ी कुल्फी बनाई है, जो कि गर्मियां आ रही हैं तो इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और बहुत ही इजी है ये बनाने में भी। तो ये लास्ट तक आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा ये बहुत ही ईजी है बनाने में। अब आइए इसकी फटाफट से रेसिपी देखते हैं। ये भी मैंने इसके साथ में ही ट्राई किया है। तो ये इसकी रेसिपी देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, ये देख के पता नहीं लगेगा कि ये मैंने घर पे बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट वाली राबड़ी कुल्फी लग रही है, जो कि बहुत ही देखने में भी जितना अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आइए अब इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंगो राबड़ी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मैंगो लिए हैं, साथ में चीनी लिया है, और उसके साथ तो मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और साथ में मैंने 2 चम्मच के बराबर कस्टर्ड पाउडर लिया है, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ये दूध को थोड़ा सा थिक बना देता है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है। और उसके बाद हम 1/2 लीटर मिल्क लेंगे इसमें। 1/2 लीटर यहाँ पर मिल्क है, जो कि फुल क्रीम है, और इसको हमें अच्छे तरीके से उबाल लेना है, और इसको बस कम से कम 30 मिनट्स के लिए इसको उबालते रहना है और चलाते हुए अच्छे से। अब मिल्क को उबालते हुए मुझे कम से कम 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें धीरे धीरे करके जो हमने मिल्क पाउडर लिया था वो मिक्स कर देंगे, और इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे, हाफ हाफ करके मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने जो शुगर लिया था वो मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर तक, चीनी के मेल्ट होने तक इसको हम पकाते रहेंगे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम ये मैंगो के प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंगो को आप अच्छी तरह से धो लें और इसका ऊपर से ये जो है इसकी कटिंग करके निकाल दें इस तरह से, ये। फिर बाद में हम इसको यूज करेंगे, और फिर इसके साइड साइड से इस तरह से आप चाकू लगा लें, जिससे कि ये जो इसकी गुठली है ये आराम से निकल जाए। ये देखिए, इसके साइड से मैंने सारा निकाल दिया है। अब ये इसको लेंगे और नीचे तक इस तरह से करेंगे, और इसको घुमाते हुए बिल्कुल टाइट से इसको खींच लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। इसी तरीके से हम सारी गुठलियां आम से निकाल लेंगे। इसके सारे पल्प को हम निकाल लेंगे इसमें से, और ये भी हम मैंगो के अंदर रख देंगे, इसको भी यूज करेंगे हम। ये जो उसका पल्प निकाला था इसको इस तरह से मैश कर ले अच्छे से, और इसको फिर जो ये मैंगो है इसके अंदर ही डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे, और इसके ऊपर
बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बस ये मैंगो राबड़ी कुल्फी रेडी है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स, और इसी तरह के अच्छे और टेस्टी सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।